आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं अमित दत्ता। आज हम पहुंचे हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव पर, और यहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। यहां जैसे हम पीछे की ओर आपको दिखा रहे हैं, यहां पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी स्थल पर हुआ था और यहां पर हम अभी पहुंचे हैं। आइए जानते हैं पूरा यहां के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक स्थल पर अभी पहुंचे हुए हैं, और यहां पर जैसे कि यहां पर बिरसा मुंडा की बंसावली यहां पर दी हुई है। जैसे हमारे सहयोगी से कहेंगे कि सामने आकर आपको दिखाएं किस तरीके से यहां पर रमेश सिंह मुंडा के विधायक निधि से इस भवन का निर्माण कराया गया था, और यहां पर 14/11/2003 को यह संपन्न हुआ था। आगे हम अंदर आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से यहां पर अंदर में पूजा पाठ भगवान बिरसा मुंडा की जा रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है वहीं पर अभी हम खड़े हैं, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का यहां पर प्रतिमा यहां पर स्थापित किया गया है भगवान बिरसा मुंडा का, और यहां पर जो उनके वंशावली में जो अभी पूजा पाठ जो करते हैं जो पाहन जी हैं अब वहाँ भी यहाँ पर मौजूद है, और सभी को आकर भगवान बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको फूल की माला पहना रहे हैं और साथ ही साथ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो पाहन बाबा हैं उनसे भी बात करेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा खुद कट्टीदार थे वो, और जन्मस्थल ग्राम उलीहातू, जन्मतिथि 15/11/1875 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, और साथ साथ भी इनकी मृत्यु जो है 9/6/1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और साथ ही साथ संस्कार तिथि जो है 3/6/1967 में इसकी संस्कार तिथि की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो पाहन जी हैं हम उनसे सीधे बात करते हैं। पाहन जी, ये बताएं कि आज किस तरह से लोग इस त्यौहार को भी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग भगवान बिरसा के लिए पूजा पाठ हो रहा है, जन्म दिवस मना रहा है। किस तरह से लोग आते हैं और किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ? यहाँ पर दुहन देते हैं, पोल देते हैं, पानी छिटकाते हैं और अरवा छोल छिटकाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? भगवान बिरसा के बारे में कुछ, वो इतना भगवान बिरसा से इतना भगवान बिरसा से इतना जन्म हुए है, जन्म हुए तो उतना से इनको बाती के जैसे जला रहे हैं, मशकल दिए है, मशकल दे दिया है उससे इसका, और दुनिया में सब कुछ जानकारी है इसका, और जगह जगह में हर जगह में वो भगवान बिरसा को मनाते हैं, 15/11 जश्न में मनाते हैं। क्या नाम हुआ साहब का? क्या नाम हुआ? हमारा जेटा मुंड जी। हमारे साथ और भी हमारे साथ पाहन भाई हैं, हम उसका भी जानकारी लेते हैं उनसे भी। और जैसे कि यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है, और सहयोगी से करेंगे कहेंगे कि थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखाएं, और साथ ही साथ जितने श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर उनसे भी हम बात करते हैं। ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में, उसका जन्मदिन मना रहा है आज, आज 15 नवंबर है, उसका जन्मदिन मना रहा है। यहाँ आके हम लोग सब कोई मिल कर के खुशी मना रहे हैं इससे मुंडा का जन्मदिन। ठीक है, बस। धरती पर मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में पैदा होने के बाद भी इस पूरे क्षेत्र के लोग और पूरे राज्य के लोग अगर किसी को भगवान का दर्जा अगर देते हैं तो वह है भगवान बिरसा मुंडा, और उनकी आज जन्मदिन भी है, और इसको और आज ही के दिन हमारा राज्य भी राज्य अलग हुआ था, झारखंड राज्य आज ही के दिन बना था। मेरी तरफ से पूरे राज्यवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और आज के दिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस राज्य के प्रति और इस राज्य के विचारों के प्रति और भगवान बिरसा मुंडा के विचारों के प्रति संकल्पित होकर के उनके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि सही मायने में आज के दिन में झारखंड
और झारखंडियों के विषय पर कहीं ना कहीं ये झारखंड कमज़ोर दिखता है आज के दिन में हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस झारखंड के झारखंडियों को बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उसको जितने मजबूत कर सकते हैं मजबूत करने पर हमारा बल होगा। तिथि की घोषणा हो गई है, आज शाम को हम लोग डेट की घोषणा करेंगे।